प्रोफेसर रणधीर सिंह चीका को दोबारा बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय में फूल मालाओं के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। प्रोफेसर रणधीर सिंह ने उन्हें बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ का पुनः प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर कहा कि जननायक जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, पार्टी अध्यक्ष सरदार निशान सिंह व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला ने उन पर विश्वास व्यक्त करते हुए उन्हें पुनः जननायक जनता पार्टी के बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ का अध्यक्ष नियुक्त किया है, जिसके लिए वे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के आभारी हैं। वे उनके इस विश्वास को कायम रखेंगे और दिन रात मेहनत करके पार्टी को मजबूती देने का कार्य करेंगे। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के कुशल मार्गदर्शन में सरदार निशान सिंह के अनुशासन और उप मुख्यमंत्री चौधरी दुष्यंत चौटाला के दूरदर्शी नेतृत्व में पार्टी के बुद्धिजीवी संगठन को विस्तार देने और उसे मजबूत करने के लिए दिन रात एक करेंगे। वे शीघ्र ही प्रदेश में बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के सदस्यों से मिलकर आगामी रूपरेखा तैयार करेंगे और प्रकोष्ठ में नई नियुक्तियां की जाएंगी। उन्होंने कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में जननायक जनता पार्टी का बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ पार्टी की एक मजबूत इकाई बनकर उसे आगे बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। इस अवसर पर बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने उन्हें पुनः नियुक्ति पर उन्हें बधाइयां प्रदान की। जननायक जनता पार्टी के संस्थापक डॉक्टर अजय चौटाला जी ने और हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने मुझे पार्टी में दोबारा फिर बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष के रूप में मेरी नियुक्ति की है। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं, जो पार्टी सुप्रीमो ने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया है। और मैं आस और विश्वास दिलाता हूँ पार्टी संस्थापक को और दुष्यंत चौटाला जी को कि जिस प्रकार मैंने पहले बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ को मैं संगठन को मजबूत करने का कार्य किया है, इस प्रकार अब दोबारा फिर हम और अच्छा संगठन मजबूत करेंगे ताकि हम ताऊ देवलाल जी की विचारधारा को जन जन तक लेकर जाएं। मैं आपसे एक बात और दावे के साथ कहना चाहता हूं कि जन नायक जनता पार्टी को बने अभी कुछ ही दिन हुए हैं और आप बड़ी बड़ी पार्टियों के संगठन को भी ले लें और जन नायक जनता पार्टी के संगठन को भी ले लें। जन नायक जनता पार्टी का संगठन राष्ट्रीय स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर तक ही नहीं, जिला स्तर तक ही नहीं, ब्लॉक स्तर तक ही नहीं, बल्कि हमारा जो युवा बॉडी है, युवा संगठन है, एक बूथ एक यूथ के ऊपर काम कर रही है। महिला सखी बूथ के ऊपर काम हमारा चल रहा है। तो इसलिए डॉक्टर अजय चौटाला जी के प्रयासों से, दुष्यंत चौटाला जी की मेहनत से जन नायक जनता पार्टी आज जन जन तक अपने संगठन को मजबूत करने में लगी हुई है। और पिछले लगभग 15 दिन से आप देख रहे हो हमारी पार्टी ने पहले राष्ट्रीय स्तर पर संगठन मजबूत किया, फिर प्रदेश स्तर पर संगठन मजबूत किया और जल्दी ही जिला स्तर और हल्का स्तर पर जन नायक जनता पार्टी का संगठन मजबूत होगा। संगठन मजबूत ही नहीं होगा, आने वाली जो चुनाव हमारे दस्तक दे रहे हैं उन चुनावों के अंदर हमारी बहुत अच्छी उपस्थिति हमारी होगी, क्योंकि हमारा जो कार्यकर्ता है वो देवलाल जी की विचारधारा को लेकर के चलता है। सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन करूंगा, धन्यवाद करूंगा। जो भी साथी, सभी से प्रार्थना करूंगा कि दुष्यंत चौटाला जी को सोच को लेकर के, ताऊ देवलाल जी की विचारधारा को लेकर के, अजय चौटाला जी के संघर्ष को लेकर के आप जन जन तक जाइए और जन जन के अंदर जा करके आप हर वर्ग की, किसान की, मजदूर की, व्यापारी की, कर्मचारी की, हर वर्ग की बात करके उनकी नीतियों को आगे लेकर हम जाएंगे। धन्यवाद। खबरनामा हरियाणा के लिए पिहोवा से अजय मलिक की रिपोर्ट।